एक जंगल में ममा नाम की एक बहुत ही प्यारी चिड़िया रहा करती थी। वह बहुत खुशमिजाज की चिड़िया थी। ममा चिड़िया का जीवन बहुत ही संघर्षों और कठिनाइयों से बीता हुआ था। ममा चिड़िया बहुत ही कठिनाइयों से पथरीली जमीन पर टमाटर की खेती करती थी। वह रोज टमाटर तोड़कर टमाटर बेचने जंगल जाया करती थी। टमाटर ले लो, टमाटर, लाल लाल टमाटर, ताजे ताजे टमाटर, टमाटर ले लो। कुछ देर बाद एक काला कौवा ममा चिड़िया से टमाटर खरीदने आता है और ममा चिड़िया से कहता है, अरे मम्मा बहन, टमाटर कैसे दे रही हो? तुम्हारे टमाटर तो बहुत रसीले लग रहे हैं, आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। काले कौवे की बात सुनकर ममा चिड़िया कहती है, कालू भैया, मेरा टमाटर तो हमेशा ही अच्छा रहता है। आज टमाटर का भाव 100 रुपए किलो है, जितना कल था उतना आज भी है। मामा चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा कहता है, मम्मा बहन, तब तुम मुझे आज 1 किलो टमाटर दे ही दो। ममा चिड़िया कालू कौवे को टमाटर देती है, जिसको लेकर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। ममा चिड़िया जंगल के पशु पक्षियों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाती है। ममा चिड़िया के इतना चिल्लाने, रोने के बाद भी कोई ममा चिड़िया की मदद करने नहीं आता है और कालू कौवा वहाँ से टमाटर लेकर भागने में सफल हो जाता है। ममा चिड़िया को कुछ देर तक समझ में नहीं आता, आखिर वह करे तो क्या करे। ममा चिड़िया किसी तरह कालू कौवे को चोरी का दंड देना चाहती थी। थोड़ी देर सोचने विचारने के बाद ममा चिड़िया राजा के दरबार में जाती है और राजा से कहती है, राजा जी, मेरी मदद कीजिए, राजा जी, मेरी मदद कीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने अपनी जान दे दूंगी, राजा जी, मेरी मदद कीजिए। राजा चिड़िया की दुख को सुनकर बोला, क्या हुआ मामा चिड़िया, तुम इतना घबराई और रो क्यों रही हो? आखिर बात क्या है? माँ चिड़िया राजा से सारी बात बताती है और अंत में कहती है, राजा जी, मेरी सारी मेहनत पर कालू कौवे ने पानी फेर दिया, उसको आप दंड दीजिए, तभी मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। राजा माँ चिड़िया से कहता है, मामा चिड़िया, तुम परेशान ना हो, कालू कौवे को उसके किए की सजा अवश्य मिलेगी। कालू कौवा पकड़ कर राजा के दरबार में लाया जाता है। राजा को देख कर कालू कौवा कहता है, राजा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा, राजा जी, प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। राजा, मैं बहुत गुस्से में था। थोड़ी देर बाद राजा कालू कौवे से कहता है, दुष्ट पापी कालू कौवे, तुम्हारे किए की सजा तुम्हें मिलेगी ही, तुमने पाप किया है। मैं चाहता हूँ कि कालू कौवे को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे फिर कोई पशु पक्षी किसी निर्धन मेहनती और असहाय चिड़िया के मेहनत पर पानी न फिर सके और कभी चोरी न करे। राजा कालू कौवे को फांसी की सजा दे देते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए और न ही किसी अन्य प्राणी का दिल दुखाना चाहिए।